है, वो लिक्विड प्रोटीन पार्टिशनिंग पे काम करते हैं और उसके अनुसार ये इंट्रा इंटरेक्शन विद इंट्रासल इंटरक्शन प्रोटीन ऑफ द कॉर्नियम ये भी इंक्लूडेड है तो जो ये डाइमे सल्फ ऑक्साइड है वो प्रोटीन को डीनेचर करके काम करता है सो क्वेश्चन नंबर सेवन पायरोजन प्रेजेंट इन कंटेनर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई तो पायरोजनस क्या होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पायरोजेंस कहलाते हैं तो पायरोजन्स को कितने टेम्परेचर पे पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है किसी भी कंटेनर में से तो आंसर है क्वेश्चन नंबर आंसर है फोर टू टेन डिग्री सेल्सियस दो सौ दस डिग्री सेल्सियस फॉर फोर आवर्स चार घंटे के लिए अगर दो सौ दस डिग्री सेल्सियस पे कंटेनर को रखा जाए हीट किया जाए तो उसमें से पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं और ये क्वेश्चन था डायरेक्टली इंडस्ट्रियल इंडे, इंडे, फार्मेसी से जो मैंने बुक बताई थी लकमीन एंड नेबरमान की उसी बुक से क्वेश्चन है देखिए लाइन बाई लाइन क्वेश्चन आया था कंटेनर्स re में बी रेंडर्ड फ्री फ्रॉम फायरोजेंस बाय एडिक्वेट क्लीनिंग एंड हीटिंग यूजुअली एट टू टेन डिग्री सेल्सियस पर थ्री टू फोर आवर्स ये बिना इसमें किसी भी तरह के मिलावट के क्वेश्चन आया है मतलब डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस बुक की इंडस्ट्रियल फार्मेसी बुक की हर लाइन को अच्छे से पढ़िए इसमें किसी तरह का घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता है डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और कई सारे क्वेश्चन आए हैं नेशनल फार्मेसी के जी पे टू थाउजेंड ट्वेंटी पेपर में ये देखिए पेज और ये टॉपिक है पैरोजन एंड पैरोजन टेस्ट इसी में से ये यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आया है इसी लाइन से बीच बीच से कहीं से भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के लेकिन नहीं पूछा जाता मतलब जैसे फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट है तो फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन को इंडस्ट्रियल फार्मेसी में मिला दें ऐसा नहीं किया जा सकता किया जाता हर क्वेश्चन को सेपरेट रखा जाता है सब्जेक्ट वाइज तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बस आपको याद रखने की जरूरत है ढेर सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर एट है लेक्स ऑफ डाई अवेलेबल कॉमर्शियली कंटेन मैक्सिमम अप टू ऑफ प्योर डाइज तो पहला ऑप्शन है फिफ्टीन परसेंट दूसरा ऑप्शन है फिफ्टी परसेंट तीसरा है टेन परसेंट और चौथा है पच्चीस परसेंट तो देखिए कलर्स इन फार्मास्यूटिकल्स आर वाटर सोलुबल एंड वाटर इन सोलबल लेक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर सोलबल डाई यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड लेकिंग तो लेकिंग के जरिए लेक को प्रोड्यूस किया जाता है और लेक्स में फिफ्टी परसेंट प्योर डाई होता है सो द राइट आंसर इज टू ऑप्शन नंबर टू फिफ्टी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सेक्रीनिज तो सुक्रोज और सेक्रीन के बीच स्वीटनेस का रेशियो होता है वन रेशियो फाइव हंड्रेड सो द राइट आंसर इज वन रेशियो फाइव हंड्रेड फोर्थ एंड ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बुक से ही आया है और ये जो टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिकल एक्सीपिय फार्मास्यूटिकल एक्सीपेंट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है स्वीटनेस इसका सब टॉपिक है उसी में से ये क्वेश्चन आया है देखिए डायरेक्टली 500 टाइम्स करके बताया भी गया है सुक्रोज से 500 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है हालांकि इसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है क्वेश्चन नंबर टेन है टाइप टू ग्लास कंटेनर्स आर मोस्ट इनर ग्लासेज एंड शोज हाई हेडोलाइटिक रेजिस्टेंस सुचेबल फॉर मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल एक्वेस प्रिपरेशन सुचेबल फॉर एलकली एल्केलाइन के सुचेबल फॉर नॉन एक्स प्रिपरेशन सो देखिए जीपेट में ऐसा होता है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चुनना होता है हो सकता है कि एक से दो या दो से तीन आंसर सही लग रहे हों लेकिन हमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन को एक्यूरेट ऑप्शन को चुनना होता है और वही सही आंसर होता है तो देखिए टाइप टू ग्लासेस में टाइप टू ग्लास कंटेनर्स जो है वो मोस्ट इनआर ग्लासेज एंड सो हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस तो ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें वेदरिंग होती है तो ये हाइड्रोलाइटिक तो रेजिस्टेंस नहीं करते और ये जो क्वेश्चन था वो वो भी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बुक से ही आया है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी और ये जो टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल से टाइप टू ग्लास सुचेबल फॉर न्यूट्रल एनासिडिक पेरेंट्रल प्रिपरेशन तो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 2 जो टाइप टू ग्लासेस है जो टाइप टू ग्लास कंटेनर्स है वो न्यू न्यूट्रल के के लिए ज़्यादा स्विचेबल है। ग्लासेस फोर टाइप 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 होते हैं type one, type two, type और टाइप तो वन ग्लासेस को पेरेंटेनल प्रिपरेशंस के लिए यूज किया जाता है टाइप टू जैसे साफ लिखा है टाइप टू ग्लाटिकल प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और टाइप थ्री क्लासेस को पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो दूसरा इसका राइट आंसर है और ये हो गया दस क्वेश्चन पूरा इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा तो सब्सक्राइब करिए यूजी फार्म अगर चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिलाईकॉन टू गेट दी लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ फॉर वीडियोज और एक बात और ध्यान में रखिएगा टफ टाइम्स ने लास्ट बट टफ पीपल टू कठिन समय अधिक समय तक नहीं रहता लेकिन जो कठोर लोग होते हैं मजबूत लोग होते हैं फ्लेक्सीबल लोग होते हैं वो हार्ड टाइम्स में भी सर्वाइव करते हैं तो बी अ टफ पीपल बट It doesn't mean that you have to be rude. Okay. So, this is the end of the video. Thank you so much. Have a good day.